और अब खबर अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके से, जहां पुलिस ने 25 फरवरी को लापता हुए युवक का शव कल्याणीपुरा रेलवे लाइन के पास से बरामद किया। इस मामले के अनुसार 25 फरवरी को अलवर गेट थाने में पंकज नाम के युवक की गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके बाद मामले की पड़ताल कर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने पंकज की हत्या कर दी और शव को कल्याणीपुरा रेलवे लाइन के पास दफना दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया और जेएलएन अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। वहीं इस मामले में अजमेर दक्षिण सीओ हर्षवर्धन ने बताया कि मृतक पंकज का और उसके दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। ये अपने अलवर गेट थाना इलाके की बात है कि ढोलाबाटा में एक परिवार से कोली परिवार में पंकज कोली नाम से व्यक्ति है, जिनके 28 फरवरी को अपने यहाँ गुमशुदगी दर्ज थी। थाना अधिकारी तब से लगातार इनकी तलाश में थे। खूब पता करने के बाद आज सुबह ये बात सामने आई है कि 5 व्यक्ति है जिनकी इनके आपस में पंकज के साथ कोई बात को लेकर के झगड़ा था, जिस कारण इन्होंने इसको गला दबा करके इसकी हत्या। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।